मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम प्लस टू कॉमर्स क्लास। हम यूनिट फिफ्थ ऑर्गेनाइजिंग कर रहे थे, जिसका टॉपिक हमने लास्ट असाइनमेंट में पढ़ा था, ऑर्गेनाइजिंग क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस। आज इसी टॉपिक को और आगे लेकर चलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। हमने इम्पोर्टेंस में 1 to 4 पॉइंट कर लिए थे, अब सीधा फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं, ऑर्गेनाइजिंग की इम्पोर्टेंस, यानी हमें क्या क्या अचीव होता है ऑर्गेनाइजिंग करने से। तो फिफ्थ पॉइंट है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ऑर्गेनाइजिंग करने से हमारा जो प्रशासन है, हमारा जो प्रबंध है, वो इफेक्टिव हो जाता है, प्रभावी हो जाता है। इफेक्टिविटी टाइम पर होता है सारा कार्य। क्यों होता है? क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग मतलब ही क्या है, जो हमने प्लानिंग की है उसको एक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसको एक रूप दे रहे हैं, उसको एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं, जिसमें ये पता होता है हमें कौन किसका अधिकारी होता है, कौन किसका अधीनस्थ होता है, कौन मैनेजर होगा, कौन सुपीरियर होगा, किसको कितनी अथॉरिटी मिलेगी, स्केलर चेन किस तरीके से चलेगी, ये सब डिटरमाइंड होता है ऑर्गेनाइजिंग में। कितनी अथॉरिटी दी जाएगी, मिनिमम कितनी दी जाएगी या मैक्सिमम, सब डिटरमाइंड होता है। ये सब ऑर्गेनाइजिंग थी। जब इतना कुछ स्ट्रक्चर हम तैयार कर लेंगे तो इट मीन्स हमारा एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, इफेक्टिव। हर कार्य टी इफेक्टिव टाइम पर कंप्लीट होगा। देखिए, जैसे इट इज जनरली बीन ऑब्जर्व दैट, देखा जाता है, देयर इज ऑलवेज डाउट बना रहता है, किसको लेकर, मैनेजर के अंतर्गत माइंड में डाउट बना रहता है कि अथॉरिटी उसको कितनी मिलेगी और कितनी आगे वो फॉरवर्ड करे। तो ये सभी कंफ्यूजन किसके द्वारा दूर की जा सकती है, केवल एक अच्छी ऑर्गेनाइजिंग द्वारा। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग मेक अ क्लियर मेंशन। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में क्या हो जाता है, क्लियर मेंशन रहता है इच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ एवरी मैनेजर, कि हर व्यक्ति क्या करेगा, हर मैनेजर को क्या करना है, कौन सी एक्टिविटी करना है, एंड ऑल्सो ऑफ देयर एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी, उन्हें कितने अधिकार मिले हैं इस कार्य को करने के। और इसके अलावा सभी को पता है, हुम शैल अ मैनेजर ऑर्डर फॉर अ पार्टिकुलर जॉब, एवरीबडी ऑल्सो नो टू हुम दे आर अकाउंटेबल। इसके अलावा ये भी पता होता है कि मैनेजर है किसको ऑर्डर देगा और कौन किसके प्रति अकाउंटेबल होगा। इट मीन्स किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इफेक्टिव, टी टाइम पर होता है, प्रभावी होता है और कंप्लीट होते हैं सारे कार्य, स्केलर चेन जो है उसका फ्लो बना रहता है। इसके बाद सिक्स पॉइंट आता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल में व्यक्तियों का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। कैसे डेवलपमेंट होता है, ऑर्गेनाइजिंग में अभी हमने पढ़ा ही है, अथॉरिटी का हम फ्लो करते हैं, अथॉरिटी का हम क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, कौन किसका अधिकारी होगा, कौन किसका अधीनस्थ होगा, ये सब उसमें डिटरमाइंड होता है, जिसके कारण ये हमें पता हो जाता है कि कितना हमें कार्य करना है अपनी अथॉरिटी के दायरे में रहकर, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा डेवलपमेंट भी हो जाता है। देखिए कैसे, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंतर्गत डेलीगेशन अथॉरिटी क्लियर रहती है, अधिकार तो दिए ही जाएंगे। जब अधिकार दिए जाएंगे कार्य को करने के, तो व्यक्ति में क्या होगा, डिस्कवर न्यू टेक्निक ऑफ वर्क, नया नया काम करने का तरीका वो ढूंढेगा। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब अथॉरिटी दी जाती है व्यक्ति को कार्य करने के साथ, तो नया नया इनोवेशन उसके माइंड में क्रिएट होता है, टेक्निक नई नई जो है अमर्ज होती है उसके माइंड में काम को करने की। इट प्रोवाइड, जब नए नए कार्य, वो कार्य को नए तरीके से करेगा, इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ टेकिंग डिसीजन टू द सबोर्डिनेट बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन दे ट्राइड आउट They try to find out latest technique and implement them। जब वो बार बार उस कार्य को नए तरीके से करेगा तो उसको क्या होगा, उसके अंदर डेवलपमेंट आएगा, नई नई टेक्नोलॉजी विकसित करने को उसे ज्ञान हो जाएगा और व्यक्ति का क्या होएगा, विकास होगा। डेवलपमेंट कोई छोटा वर्ड नहीं है, इसको बहुत अच्छा मीनिंग है। डेवलपमेंट और ट्रेनिंग में आपको बता चुके थे क्लास में भी, डेवलपमेंट विकास, कैसा विकास, कि भविष्य में वो आने वाली पोस्ट, जो पोस्ट अभी उसने नहीं संभाली है, मीन्स उसका मैनेजर संभाल रहा है, वो उसको संभाल सके, वो कहलाया जाता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कब होगा, जब उसको अथॉरिटी दी जाएगी काम को करने की, वो अपने लेवल से थोड़ा अपर का कार्य सीखेगा, तभी उसका प्रमोशन होगा। इट मीन्स कहेंगे वो व्यक्ति डेवलपमेंट हो चुका है,
डेवलपमेंट के आधार पर ही उसको प्रमोट किया जाएगा। और अगर व्यक्ति डेवलप है इट मीन संस्था भी डेवलपमेंट की ओर बढ़ेगी, संस्था भी डेवलप संस्था कहलाई जाएगी क्योंकि उसमें टैलेंटेड व्यक्ति कार्य करेंगे। इसके बाद आता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या है, अभी पढ़ा है हमने। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंतर्गत फ्रीडम होती है किसको, एम्प्लॉय को, कि वो डिसीजन ले सकता है। जब वो डिसीजन लेगा खुद ही अपने बल पर तो उसका ग्रोथ होगा क्योंकि वो नए फेस न्यू चैलेंज, जो भी चैलेंज होगा उसको फेस कर पाएगा। दिस सिचुएशन कैन हैव द डेवलपमेंट ऑफ इंटरप्राइज, जैसे मैंने अभी बताया है 6 पॉइंट में, जब वो फेस करेगा न्यू चैलेंजेस, नई नई टेक्निक काम को करने की डिस्कवर करेगा, तो एक डेवलप हो जाएगा पर्सन कंप्लीट रूप से, उसकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाएगी। इट मीन्स इंटरप्राइज का भी क्या हो जाएगा, संस्था का डेवलपमेंट, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे टैलेंटेड व्यक्ति कार्य कर रहे होंगे। इंक्रीज हो जाएगी अर्निंग कैपेसिटी संस्था की, जिससे हम कह सकते हैं संस्था का क्या होगा, एक्सपेंशन और ग्रोथ। एक्सपेंशन संस्था का विकास होगा, संस्था का स्तर अभी कम स्तर का है, छोटे स्तर पर कार्य करिए, बड़े स्तर पर होगी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर अपना ग्रोथ करेगी, ये सब कहलाया जाता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ संस्था का। इसके बाद आता है कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन निकलता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, जो अभी आपने पढ़ी है कि ऑर्गेनाइजिंग करने से क्या कंक्लूजन निकल कर आता है, सीधी सी बात है कंक्लूजन एक ही निकल कर आएगा। ऑर्गेनाइजिंग करने से क्लियर हो जाती है क्या पोस्ट है, किसको क्या पोस्ट मिलनी है, क्या उस पर उसको रोल अदा करना है, क्या अथॉरिटी है, रिलेशन सब डिटरमाइंड होंगे। इट मीन जो हम ऑब्जेक्टिव जिसके लिए एक संस्था का निर्माण हुआ है वो क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो यही इसका एक कंक्लूजन है, यही निकल कर आता है जब ऑर्गेनाइजिंग करेंगे तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको जिस पर्पस से उसको एस्टैब्लिश हुई है वो प्राप्त हो जाएगा। अब आता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या है। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस जो अभी हम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग, उसकी एक प्रोसेस है कैसे ये फुलफिल की जाती है। देखिए, इन ऑर्डर टू कंप्लीट दी ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट फॉलोइंग स्टेप आर टेकन। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग जो हम ये कर रहे हैं, इसकी प्रोसेस के स्टेप निम्नलिखित प्रकार से हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग करना, मींस क्यों कर रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग, क्योंकि हमने प्लानिंग की है, प्लानिंग की ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, अब उसको व्यवस्थित कर रहे हैं, उसको स्ट्रक्चर दे रहे हैं, उसको एक रूप दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम उसमें कौन सा कार्य करते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कार्य की पहचान, कार्य को बांटना। देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट स्टेप ऑर्गेनाइजिंग का क्या है, आइडेंटिफिकेशन करना है, डिवीजन ऑफ वर्क। इस स्टेप पर क्या किया जाता है, टोटल वर्क को डिवाइड किया जाता है विभिन्न एक्टिविटी। टोटल वर्क आप को मैं कोऑर्डिनेशन चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, इंपोर्टेंस में आप देखिएगा टोटल को अखबार लिखा हुआ है। कोऑर्डिनेशन कम नहीं बैठता जब व्यक्ति टोटल वर्क की ओर ध्यान नहीं देता। टोटल वर्क मीन संस्था किस लिए स्थापित हुई है, वो है उसका टोटल वर्क। जैसे संस्था का मेन कार्य, संस्था स्थापित हुई है फोन को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, या टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टैब्लिश हुई है, तो उसका टोटल वर्क यानी मेन कार्य। तो उस कार्य को डिवाइड किया जाता है वेरियस एक्टिविटीज में, एक्टिविटीज यानी जो वहां कार्य किए जाएंगे, कौन से कार्य किए जाएंगे, एक इंटरप्राइज में परचेज है, सेल्स है, रिसर्च है, एडवर्टाइजिंग है, ये सभी कार्य, ठीक है। तो इसको टोटल वर्क को डिवाइड किया जाता है विभिन्न एक्टिविटीज में, जैसे कि वेरियस एक्टिविटी गिवन है, यहाँ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, ये उसका टोटल वर्क है, यानी मोबाइल फोन बनाना एक मुख्य कार्य है। अब इसको एक्टिविटी में डिवाइड करेगी वो, कौन सी एक्टिविटी, मोबाइल फोन बनाने के लिए परचेज करना पड़ेगा रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट, प्रोडक्शन, स्टॉक करना पड़ेगा गुड्स, रिसर्च का कार्य भी करना पड़ेगा ताकि संस्था लंबे समय तक चलती रहे, एडवर्टाइज करना पड़ेगा ताकि क्या हो सके, सेल्स हो सके। तो डिवीजन ऑफ वर्क में ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंतर्गत सबसे पहले डिवाइड किया जाएगा कार्य को, कार्य को डिवाइड किया जाएगा, जैसे कि रॉ मटेरियल परचेज करना है, स्टॉक करना है, रिसर्च करना है, एडवर्टाइज। इसके बाद आता है फाइनेंस का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, अकाउंट मेंटेन करना पड़ेंगे, कोरोस्पोंडेंस यानी प्रॉपर फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी, अरेंजमेंट ऑफ एम्प्लॉय तो जरूरी ही है, इसके बिना कार्य नहीं चलेगा, एम्प्लॉय अरेंज करने पड़ेंगे। तो ये सब आता है डिवीजन ऑफ वर्क में। अब आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या है, डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ एक्टिविटी यानी विभागीकरण। इसका अभिप्राय क्या है, स्टार्ट वंस दी वेरियस एक्टिविटी, जैसी
एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है तो क्या करना होता है, विभिन्न प्रकार की जो एक्टिविटी है सेम नेचर आर ग्रुप टुगेदर, सेम नेचर की एक्टिविटी को हम क्या करते हैं एक ग्रुप में बांट देते हैं एंड असाइन टू अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, एक ग्रुप में करके उसको एक डिपार्टमेंट में शो कर देते हैं, यानी एक डिपार्टमेंट में बांट दिया जाता है, उस डिपार्टमेंट को ही हम ग्रुपिंग कह सकते हैं। जैसे कि रॉ मटेरियल परचेज करना या मैन्युफैक्चरिंग पार्ट परचेज करना परचेजिंग का कार्य है, तो कौन से डिपार्टमेंट में हम डाल सकते हैं परचेज डिपार्टमेंट में। ऐसे ही प्रोडक्शन स्टॉक करना गुड्स का, रिसर्च एक्टिविटी कौन से डिपार्टमेंट में दे सकते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। ऐसा हम क्यों करते हैं अपने कार्य को इजी करने के लिए, क्योंकि इतने सारे डिपार्टमेंट बनाएंगे हमारे लिए टफ होगा, इसलिए एक डिपार्टमेंट बनाएंगे जहां जो उससे सिमिलैरिटी होगी, जो डिपार्टमेंट हमने प्रोडक्शन है उसमें जो सिमिलैरिटी आ रही है, जैसे कि प्रोडक्शन करना है स्टॉक करना है और रिसर्च करना है, ये सब सिमिलर कार्य है, तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इजिली कर पाएगा, इसलिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल देंगे। ऐसी जैसे एडवर्टाइजिंग और सेल्स है, दोनों कार्य वस्तु को बेचने से रिलेटेड है, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में इसको फुलफिल कर दिया जाएगा, यहाँ पर इसको ऐड कर दिया जाएगा। ऐसी फाइनेंसिंग यानी मनी अरेंज करना, तो यहाँ कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट या कोरस्पोंडेंस, सब कौन से डिपार्टमेंट में दे दिए जाएंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट में। इस प्रकार ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी को ग्रुप कर, जो एक्टिविटीज है, एक्टिविटी मीन्स परचेज सेल्स एडवर्टाइजिंग, ये सब एक्टिविटी उनको एक ग्रुप में बांट दिया जाएगा और ग्रुप को एक डिपार्टमेंट में को दे दिया जाएगा, वही कहलाया जाता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। मीन्स सेम सिमिलर एक्टिविटी को जो सिमिलर हो उसको एक डिपार्टमेंट में ही दे देना, जैसे कि इंक्लूड कर देना परचेज डिपार्टमेंट में सारे परचेजिंग के कार्य आ जाएंगे, जैसे परचेज करना रॉ मटेरियल, परचेज करना मैन्युफैक्चरिंग पार्ट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन जैसे कि स्टॉक कर प्रोडक्शन करना है, स्टॉक करना है, रिसर्च क्योंकि वस्तुओं के लिए रिसर्च भी चाहिए, लंबे समय तक टिके रही हमारी संस्था इसलिए रिसर्च का कार्य किया जाता है। मार्केटिंग में आपको पता है बाहर क्या कार्य किए जाएंगे, एडवर्टाइजिंग की जाएगी और सेल्स की जाएगी। इसके अलावा फाइनेंसिंग में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में फाइनेंसिंग अरेंज करना यानी मनी अरेंज करना, फिर लेखा करना, ये सभी कार्य किया जाएगा। नोट यहाँ पे गिवन है, इस प्रकार कहा जा सकता है अगर मोबाइल फोन प्रोड्यूसिंग कंपनी की अपनी एक टेक्सटाइल बिजनेस भी हो तो इटमीन्स उसके दो डिवीजन हो जाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा उसे, मोबाइल फोन डिवीजन और टेक्सटाइल डिवीजन हो जाएंगे। जैसे आपने मैंने आपको प्रिंसिपल पढ़ाया था उसमें बताया गया था दो डिवीजन है तो दोनों के ही प्लान अलग होंगे, दोनों के ही हेड अलग होंगे, तो दोनों के ही परचेज प्रोडक्शन मार्केटिंग फाइनेंस पर्सनल डिपार्टमेंट अलग अलग से बनाए जाएंगे। अब आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, डिपार्टमेंट बनाने के बाद क्या किया जाता है इन डिपार्टमेंट में, जैसे यहाँ दिया हुआ है परचेज डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अब इसमें ड्यूटीज दी जाएगी। एट दिस स्टेज रिस्पॉन्सिबिलिटी हर इंडिविजुअल और पोस्ट इज डिसाइडेड द परचेज मैनेजर विल बी गिवन द टास्क ऑफ परचेजिंग गुड्स, क्या ड्यूटी दी जाएगी परचेज डिपार्टमेंट को कि वो क्या करेगा परचेज करेगा गुड्स, सेल्स मैनेजर को क्या दी जाएगी सेल्स करके आएगा गुड्स, ऐसे ही एडवर्टाइजिंग मैनेजर को क्या दी जाएगी कि वस्तु को क्या करेगा वो बिक्री करने के लिए टूल यूज करेगा, एडवर्टाइज करेगा, ज्यादा बिक्री करने के लिए प्रमोशन टूल यूज कर सकता है। ऐसे ही फाइनेंस मैनेजर को कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी फाइनेंस को अरेंज करने की, तो ये सब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंतर्गत आता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है एस्टैब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, सबसे पहले काम का बंटवारा किया हमने, काम का बंटवारा करने के बाद उसको एक ग्रुप में डिवाइड कर दे यानी डिपार्टमेंट में, फिर डिपार्टमेंट में काम करने वाले व्यक्ति को ड्यूटी दे दी किसको क्या कार्य करना है, जैसा डिपार्टमेंट वैसा ही कार्य, फिर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कैसे कॉन्टेक्ट करेगा, कौन किसको आदेश देगा, कौन किससे आदेश लेगा, कौन अकाउंटेबल होगा, सब कुछ क्लियरली डिफाइन होता है, इसलिए इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो कि हमने इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में पढ़ा है। ओके बेटा, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.